हेलो दोस्तों, आज हम जाने वाले एक शाही पैलेस के अंदर और मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरी हिस्ट्री एंड मस्जिद की जो काफी फेमस है। एंड चलते हैं फिर। फाइनली संभल पहुंचने के बाद वहां का जो रास्ते वो व्यू एंड हमारे तो बाय रोड ऑफ महल्ले में होते हुए एंड हम आ चुके हैं शाही मस्जिद के पास एंड वहां का जो व्यू दिखाने वाला हूं। ओके चेक दिस एंड ये देख सकते हैं गाइस, मैं दिखाता हूं एंड मस्जिद के पीछे का व्यू एंड उसके बाद चलते हैं हम शाही मस्जिद को दिखाते हैं और उसको रूबरू कराते हैं और आपको भी इसकी ज़ियारत कराते हैं। ओके और मैं चलता हूं अंदर की तरफ और व्यू दिखाते हैं खतरनाक वाला। ऑलराइट गाइस, तो हम चलते हैं एंड बाय रूट एंड दिस इन पेसिनी एंड हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको रूबरू कराते हैं मस्जिद के अंदर का व्यू जो माशाल्लाह एक नंबर होगा। एंड चलते हैं, थोड़ा सा पानी वगैरह है इसके अंदर और हम जा रहे हैं बैक वाले रास्ते से जो रोड वाले रास्ते से पीछे वाले से मेन रास्ते बने गए थे। एंड ये देख सकते हो ये है जो मेन एरिया एंड यहाँ पर काफ़ी लोग यार नमाज पढ़ सकते हैं एंड ये देखते हैं काफ़ी खूबसूरत मंजर है यहाँ का। एंड ये देख सकते हैं यहाँ पर उधर की तरफ कब्रें भी बनी हुई हैं जो काफ़ी, और ये देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ और ये बाजू बनने के लिए एक पुल वगैरह ये पानी भरा हुआ है यहाँ पर। तो माशाल्लाह एकदम ये जो नज़ारा है एकदम माशाल्लाह एक नंबर का भाई। एंड देख सकते हैं जो शाही मस्जिद है और जो है वाकई में जो दिखती है वो है भी। एंड ये देख सकते हैं इसका जो शाही संभल की जो मस्जिद है इसको बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है और इस मस्जिद को ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ यहाँ पूरा व्यू देख सकते हैं कितना खतरनाक है। शाही मस्जिद है जो देखने के काबिल है और काफ़ी खूबसूरत है यार माशाल्लाह। एंड मैं जो मस्जिद के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, तो दोस्तों बाबर की निगरानी में इस मस्जिद का पूरा जो स्ट्रक्चर है जो पूरी जो तरबियत है पूरा जो तामीर हुई थी बाबर की निगरानी में हुई थी। बाबर ने 1528 में ईस्वी में अपने जो उनके जो सेनापति थे जो उनके करीबी जो अजीज थे उन्होंने मीर बेग के द्वारा इस मस्जिद को तामीर कराया गया था जो काफ़ी इस बात को बहुत एक अलग लेवल का बनाती है। जो बाबर ने इसको बनवाया था इसका जो पहला पत्थर था वो बाबर ने ही अपने हाथों से इसमें लगाया था एंड काफ़ी इसको जो काफ़ी अलग लेवल तक पहुंचाती है। तो ये देख सकते हैं कितना स्ट्रक्चर उस टाइम का कितना बेहतर स्ट्रक्चर था एंड ये देख सकते हैं कितनी शाही मस्जिद है, वाकई में शाही मस्जिद है और काफ़ी पुरानी हो चुकी है और अभी भी बिल्कुल नई की तरह लगती है। तो भाई उस टाइम का जो बाबर का आइडिया एकदम आज भी एंड इसको लोग देखते हैं और काफ़ी देखने के काबिल है और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए और यहाँ नमाज भी होती है और देख सकते हैं ये काफ़ी पुरानी होने के बाद भी और काफ़ी प्रसिद्ध भी है और लोग इसको बहुत मानते भी हैं एंड मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। एंड ये शायद कुछ गेट है जो, तो ये देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर सफाई वगैरह लगी हुई हैं और ये जो देख सकते हैं यहाँ की बिल्ला यहाँ पर काय साहब नमाज वगैरह पढ़ाते हैं, इमाम साहब यहाँ नमाज पढ़ाते हैं और ये देख सकते हैं पूरा व्यू है। एंड वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।